सीकर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की नागौर में बड़ी कार्रवाई हुई है। पर्वतसर में बाबू देवेंद्र को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। 8,000 रुपए की घूस लेते दबोचा है। साथ ही आपको जानकारी दे दे कि रजिस्ट्री करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो DSP जाकिर अख्तर ने दिया है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम। तो सीकर एंटी करप्शन ब्यूरो की नागौर में बड़ी कार्रवाई हुई है। पर्वतसर में बाबू देवेंद्र को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। 8,000 रुपए की घूस लेते दबोचा गया है। साथ ही जानकारी आपको ये भी दे दे कि रजिस्ट्री करवाने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। रजिस्ट्री करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी और इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई देखने को मिली और रंगे हाथों बाबू को पकड़ा गया है। अब ऐसे में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। कितनी संपत्ति इसके नाम है इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाएगा और साथ ही जो जरूरी दस्तावेज हैं उनको भी खंगाला जाएगा। जानकारी ये भी जुटाने की कोशिश रहेगी एंटी करप्शन ब्यूरो की, क्या क्या इससे पहले भी ये घूसखोरी के खेल में लिप्त था। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर के। बिल्कुल, सीकर SCB ने नागौर के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो वहाँ का जो बाबू है देवेंद्र, उसको SCB ने 8,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि एक परिवादी यशु पास पूछा था, उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे रजिस्ट्री करवानी थी, तो रजिस्ट्री करने की एवज में उससे 8,000 रुपए की घूस की डिमांड की गई थी। तो SCB ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो SCB की जो DSP है जाकिर अख्तर, उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। SCB की टीम है जो फिलहाल जो बाबू है देवेंद्र उससे पूछताछ कर रही है। SCB ने मौके से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया है, उनके आधार पर यह भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो घूसखोरी का काम है कब से कर रहा था और कौन कौन स्किल के अंदर शामिल है। इस पूरी कार्रवाई के बाद में जो पर्वतसर है वहां पर जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और SCB की टीम लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल नवीन, और इस पूरी कार्रवाई के दौरान क्या किसी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है क्या? इन कार्रवाई करते हुए जो बाबू है देवेंद्र उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी SCB की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। जांच ये साबित हो पाएगा कि और भी इस पूरे प्रकरण में और किन किन की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो बाबू है देवेंद्र उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब लेकिन 8,000 रुपए की रिश्वत की राशि है तो हो सकता है इसके अंदर से और भी किसी को देने हो, उच्च स्तर के अधिकारी को देने हो या फिर निचले स्तर के कोई कर्मचारी को देने हो। तो अब SCB इस पूरे मामले की भी जांच कर रही है, जो 8,000 रुपए की जो रिश्वत की राशि है उसका बंटवारा कहाँ कहाँ पे होना था और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल था। जी नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए।